आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी सरकार बेरोजगारी युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इसी क्रम में आईटीआई कौशल विकास और सेवा योजन विभाग के सामूहिक तत्वाधान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर परिसर में रोजगार मेला व करियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेला में लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कंपनी द्वारा प्रतिभाग कर 8,000 से 14,000 तक प्रतिमाह वेतन पर 77 योग्य अभ्यर्थियों को चयनित कर सेवायोजित किया गया। जिला सेवा योजन अधिकारी ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर परिवार हर हाथ को काम देना है। उस उद्देश्य के तहत सेवा योजन कार्यालय द्वारा रोजगार मेला का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष लक्ष्य के सापेक्ष 13 रोजगार मेला के माध्यम से 1035 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जा चुका है। आज रोजगार डे के अवसर पर आईटीआई परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों ने जिले में ही रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार पाकर सरकार का धन्यवाद दिया। न्यूज 9 भारत के लिए फतेहपुर से मोहित शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्य उद्देश्य है, हर परिवार को काम हर हाथ को काम, उस उद्देश्य से जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा रोजगार मेला का आयोजन लगातार किया जा रहा है। और अब तक हमने 11 रोजगार मेला का मुझे टारगेट था, उसके सापेक्ष मैंने 13 कर चुका हूँ। मुझे 1250 का टारगेट मिला है पूरे साल 2022-23 के लिए, उसके सापेक्ष मेरी जो है 1035 सिलेक्शन हो चुकी है। रोजगार डे के अवसर पर आईटीआई परिसर में एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। 6 कंपनियां आई थी, जो कि 8,000 से 14,000 तक प्रति माह के रूप में उसको वेतन दिए हैं। बड़ी कंपनियां हैं, उसको भी बुलाने की हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक हम रोजगार दिलावें और उनके भविष्य का निर्माण कर सकें। रोजगार मेले के माध्यम से वे बच्चे जिसको कि कोई अवसर दिखाई नहीं पड़ते हैं और उनको तत्काल रोजगार की आवश्यकता है, वे बाहर नहीं जा सकते हैं, उसको अवसर की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है, उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या करना है कैसे करना है, तो उस तरह के बच्चे को बहुत ही ये सहायक सिद्ध हो रही है। स्किल बच्चे सक्षम हैं, वे जाके वहाँ रोजगार पा रहे हैं और अपना भविष्य का निर्माण के साथ साथ वे पढ़ाई भी कर रहे हैं कुछ, तो इस प्रकार रोजगार मेला एक उसको सशक्त माध्यम मिल रहा है जिससे कि रोजगार प्राप्त कर सके। नाम अनुज कुमार सोनी है, मैं फतेहपुर से हूँ और आज मैं रोजगार मेला में आया हुआ हूँ, जिसमें बेरोजगारों के लिए लगाया गया है। और मैं मेरा चयन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो गोरखपुर की है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा सिलेक्शन फतेहपुर में हुआ है। योग्यता इंटर और बीए है, और जिस माध्यम से मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले से ज़्यादा अब आसान हो गया है, जब से सेवा नियोजन के पोर्टल पे मुझे पता चला है तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे मुझे सेवा नियोजन के पोर्टल के जरिए मुझे ये बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड में मेरा चयन हुआ है। मेरा नाम समर सिंह, मैं 10+2 मेरी एजुकेशन है, मैं यहाँ पर आईटीआई में हूँ। इस समय यहाँ बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें बहुत सी कंपनियां और उन्होंने अपने क्वालिटी के बारे में हमें बताया, जिसमें मेरा चयन हुआ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के जाकर जो भी उनकी समस्याएं और उनके बारे में खेती के लिए नए तकनीक के बारे में बताने के लिए हमें ये कार्य दिया गया है, और इस कार्य से हम बहुत संतुष्ट हैं। जो हमें कार्य मिला है, सरकार का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।